हेलो। सतीश के घर से बोल रहे हो आप? सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों? हाँ जी, भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का भैया, वो तो खुली ना रहे ना, ना खुल लिया? पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। पापा, मेरी बात करो एक बार। हेलो, हेलो सतीश, कौन भैया कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या क्या हो गया? हाँ भाई, शादी हुई है घर में? जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया, मुझे घर वालों ने बताया। मैंने छोटू को ही भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने, खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियां लगा के फिर आ गए वहां को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना हमने जब पल्ले लगाए उसमें और चटकनियां लगाई हैं, तो हमने यूं नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों, क्या हुआ? तूने देखा नहीं, पूरी रात में बाहर बैठा रहा मैं और मेरी मिसिज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई, आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने, मेरा और मेरी मिसिज का कमरा है ये। तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था तो जो ये बनाता था, मैं और मेरी मिसिज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से दरवाजा। तू हाथियों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई नई मिसिज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो, आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसिज को देखूं, मिसिज मुझे देख रही है, दरवाजा ना खुला वो बना के गया है सांझा के दरवाजे। मेरी बात सुनो, एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम, कुत्ता है कुत्ता है। कुत्ता काहे को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कमर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं 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 नहीं, तू 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 एक बात बता, तू बोल गया? ना मैं तो नहीं हूँ, नहीं तो ना मैं तो नहीं हूँ। तेरी माँ तो तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। नहीं नहीं, तू चुप तू चुप हो। तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खा में है वहाँ? पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है, यही तो नहीं पता तुझे। कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हूँ मैं, और दूल्हे की बहनें, दूल्हे के दोस्त वोस्त भी आ जाए। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ भूल गया था, मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा लगा के थक गए अंदर की तरफ, अब खुलेगा अब खुलेगा, खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे, मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुला, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुला, ऊपर धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुला। धक्का मार रहे हो और क्या, धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? अब खोल लो। अब क्या करूँ खोल के? क्यों? हेलो, मिस्टर रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ, जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई एम फादर। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। आई एम डिस्टर्बिंग यू? हाँ बेटे, अभी बात कर सकते? नहीं 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 नहीं, बताइए बताइए। देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ। एडिटो, मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा, उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी, मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। हाँ बेटा, मेरे प्रिया से बात हुई थी, मैंने कहा प्रिया देखो बेटा ऐसा है, शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है? बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार, ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा बड़ा को इंसिडेंट, मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में, यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेशली आइस स्कीइंग। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार? 50,000 फीट से मतलब पूरी बर्फ बर्फ बंदा नीचे आ रहा है यार, प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ वाली नहीं की मैंने, पहाड़ वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने बोल में नहीं कराते हैं, 20 रुपए में 200 मिनट। वॉट? 200 रुपए में 20 मिनट। 200 रुपए में 20 मिनट। ओके अंकल, प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटे अभी, प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी, कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटे, मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हूँ, यूके। यूके? बेटे यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो, आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो बेटी से नवेद बोल रहा हूँ, आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपर लाइक आया, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। हेलो जसप्रीत जी, गुड मॉर्निंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू दैट यू हैव अडॉप्ट आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली स्कीम, आर यू सेटिस्फाइड?
अभी तो जब बिल आएगा वही पता लगेगा ना, अभी तो मेरे को 3 दिन हुए बस। अभी 3 दिन हुए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपने अपनी वाइफ का नाम लिखवाया तो सर वाइफ आपको कॉल करती है, आप वाइफ को कॉल करते हो, देयर विल बी नो चार्जेस। हाँ हाँ ये पता है। इसके अलावा आपने 3 नाम और दिए, 3 नामों पर जितनों को भी आप कॉल करोगे या फिर मैसेजेस करते हैं तो सर उसके कोई चार्जेस नहीं है। इससे बिल पे तो फर्क पड़ेगा ना भाई? सर आई एम डैम श्योर बिल पे बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन सर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपने अडॉप्ट किया इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमने आपको नहीं बताए थे। मैं एक बेनिफिट और है जो हमने कल रात से ही शुरू कर दी है सर, जितने मैसेज आप भेजेंगे किसी को भी भेजेंगे वो आपकी वाइफ के पास भी जाएंगे, और जितने मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो या टेक्स्ट। रात को हमने स्टार्ट कर दिया है, जितने भी मैसेज आप किसी को भी भेजते हो, मान लो आप अपने दोस्त को भेज रहे हो, किसी को भेजते हो, वो आपकी वाइफ के पास भी जाएगा, और जितने मैसेज आपके पास आते हैं वो आपकी वाइफ के पास भी आएंगे। मतलब भेज दिए मैंने रात को जो मैसेज भेजे थे सब भेज दिए बीवी के नंबर पे? हाँ सर वो स्टार्ट हो गए हैं। ओ पागल, मैंने तो बोला था ये स्टार्ट करने के लिए। नहीं सर ये बाय डिफॉल्ट होता है ना सर, ये स्टार्ट बंद कर दे नू, मेरा तलाक हो जाएगा, बंद कर दे नू, मार जाऊंगा मैं। नहीं सर ये तो बाय डिफॉल्ट होती है ना सर। एक बात बता, सुबह 11:55 में मैंने एक मैसेज भेजा है, 2 मैसेज भेजे हैं, तो वो गए मेरी बीवी के पास। या सर आई कैन सी सारे मैसेज जा रहे हैं आपकी वाइफ के। तेरी बंद कर रहे नू आराम से। एक गल दस मैं व्हाट्सएप तक मैं मैसेज किया ग्रुप दे विच, वो भी मेरी वोटी को पहुंचे हैं। सारे पहुंच रहे सर। कुत्ते तेरी कंजर, बंद कर दे नू। मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूं। जो भी बोल रहे हैं बंद कर दे, मेरी वोटी मेरी गोली मारने की बात कर दे। मैं कह रहा हूं मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूं। जो मर्जी हो इनू बंद कर दे, मेरे फोन चो इनू हटा दे, फोन ऑफ ला। मैं कह रहा मैं मजाक कर रहा सी, मैं रेडियो मिर्ची तो बोल रहा हूं। ओ बंद कर दे मैं। ओ मैं क्या, मैं रेडियो मिर्ची तो नवेद बोल रहा हूं यार। हेलो, इज दैट साक्षी फ्रॉम फाइनेंस एडवाइजर कंपनी? या दिस इज, हु एम आई टॉकिंग टू? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Oh, yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead. Yeah, tell me. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So, like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania, yeah. Actually, we do have him in our customer base as well as watch one of our HNIs. So, yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties? So do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside, because Mr. Singhania is more into, you know, green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you can I interrupt you? I'm Singhania. Hi, Mr. Singhania. I think last quarter kitna 11.5 crores. 11.5, see, yeah. Okay, 11.5 crores. I have invested in petroleum. So, mujhe zyada sahi nahi laga. So in case you could give us, say, 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. Mm-hmm. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Okay. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call. Because Yeah. Agar aap mereko phone pe bata dena. तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा। So what sort of investment account amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this this quarter हम लोग plan कर रहे थे 15 crores. मैं अभी horse riding पे भी मैंने खामा खान लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, you know, सारा money. I'm sorry, Mr. Singhani, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है। क्या बात है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है। 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो। आर यू श्योर? या रीड इट अगेन वन सेकंड। जस्ट होल्ड ऑन। या इट इज 20 रुपए किलो प्याज। साक्षी आई एम सो सॉरी, आई एम सो, वी 20 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो प्याज, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। साक्षी आई एम सो सॉरी, 20 रुपए किलो। चल भाई थैला ले दे, थैला ले ले ना, थैला ले लो, थैला ले लो। अरे भैया, अरे
ग्यारह रुपए किलो, 11 किलो कर दो इसकी। यू वांट टू इन्वेस्ट इन प्याज? साक्षी, साक्षी, हाँ आप जान सकती हैं, मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है। सुनिए सुनिए, आप जा ही रही है ना प्याज देने के लिए, ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए उठा लीजिए, बहुत प्याज। हेलो सर, कुड आई स्पीक टू चिराग प्लीज? बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके चिराग जी, आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, सर इफ यू डोंट माइंड, फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी, 8,500 रुपीज। जी जी जी। मिस्टर चिराग, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ, क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स। यू लव हर राइट सर? यस एंड शी लव्स यू। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस सर। मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली हाँ बिल्कुल। जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 ईयर्स। 7 साल से इसे, एंड यू लव हर? या एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर, राइट सर? एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस हाँ, बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देते। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? वंस इन अ मंथ। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है सर। चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। okay. आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज क्या देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है, अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं, टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए सर। कितना सर? 17,80,800 रुपए सर। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ ऑब्वियसली सर, पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। ओके सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते? खाते सर। कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितने बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4,000-5,000। सर मैं 3,500 रुपए लगा रहा हूँ। ओके तकरीबन 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर। एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना माना 2,94,000 रुपए विच इज 22,42,800 रुपए सर। एक मुझे एक टोटल करके बताइए, अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो हाँ 7 साल का कितना बना? मतलब सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। टोटल करना सर, आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23,68,800 रुपए सर। पार्टी जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर हफ्ते जाते हैं सर। मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्चे जाते होंगे आपके? हाँ इतना तो हो जाता सर। अगर एक साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है सर, आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख जरा पुराने में टोटल करना सर। पुराने था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए सर, आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो आई यू देयर सर? हाँ हाँ सर। कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में एक बार मान के चल सकता हूँ आप, आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000 रुपए का एक पैकेज सर। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7,00,000 रुपए आपका ये बिल आ गया, इसको भी जोड़ दो आप। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए, टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? यस सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर, दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। तुझे भी। हेलो होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर। कौन है भाई? हेलो हेलो हेलो
हेलो मैं तिहाड़ जेल से बोल रहा हूँ, मेरे हाथ फोन लग गया, मेरे काम करते भाई, 15 लाख 15 लाख दे रहे, 15 लाख, एक सेकंड होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर भाई, सच में तिहाड़ से बोल रहा हूँ। इमरान भाई का नंबर दूंगा उनको, सिर्फ फोन करके ये बोल दे लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना नंबर लिख, 15 लाख। यार मजाक मत करो यार, होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर होल्ड कर, सेल नंबर ना के दी लाइन मरो। हाँ भाई, फोन कटर में फेंक रहा हूँ, फोन कटर में नंबर के पीछे चिल्ला रहे हो। 9822475 इमरान भाई को उठाते बोल दियो ना लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, बोलिए मैं गटर में डाल रहा हूँ फोन, गटर में डालू ठीक है। हेलो, लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना इमरान भाई। अरे बत्ती आ रही है हमारे यहाँ, कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं चाहिए, बत्ती आ रही है। लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना, सोना तिहार से। कौन सी बत्ती पे? लाल बत्ती पे। अरे मधु, अरे अरे शुरू कर यार, अरे लाल बत्ती पर 9 नंबर का सोना कौन आ गया, आजा 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 आजा, आजा। तेरे पति बाहर आ जाएंगे अब, कोई बात नहीं देख। अब देख फोन मत काटियो, तेरा नंबर आ गया हमारे पास ठीक है, 15 लाख रुपए तुझे देके हम तुझे अंदर डाल देंगे, 7 साल के लिए मेरा भाई बाहर आ जाएगा, इसी का मतलब बनता है लाल बत्ती पे 9 नंबर का सोना जो तू बोल लिया मुझे। बोल रहा नहीं है भाई। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ भैया, जिसे बात कर रहे थे कोई फोन छोड़ के चला गया कुर्सी पे। तू कौन बोल रहा भाई? मैं कुर्सी के पीछे वाला बोल रहा हूँ। और फोन कहाँ गया उसका? भाई बात मत करियो यहाँ पे, लाल बत्ती की सोने की मत बात करना। भाई तुझे कैसे पता चल गया लाल बत्ती के सोने की बात कर रहा था मैं जब वो चलाई गया? भैया छोड़ दिया, हम नहीं कर सकते हैं। हेलो सर, सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुन रहे हैं सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको। बहुत बड़े गिफ्ट जीत रहे हैं आप कि नहीं? जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा एक होल्ड करेंगे आप, एक मिनट में ऑनर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो, और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा आरजे। और जयपुर क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा आरजे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ वहाँ पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी बाहर शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर, कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। अच्छा सर बताइए तो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती हो आपको जो मैं करता हूँ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो आरजे नावेद, आपने किसको फोन किया? आरजे नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या, मैं क्या आरजे? आरजे हाँ, आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा एक काम करो तुम उन्हीं को सुनो जाकर फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कफिल तक ने चोरी कर लिया है उसका उन्होंने, मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया थोड़ा, आउटडेटेड सा है वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है सुन लो, योर विश इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है और क्या यार, सबको पता है बात, और अब तो अच्छा भी नहीं करता है, मुर्गे बनाता ही नहीं है वो। एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी कभी, बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हाँ थैंक यू। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी नावेद जी बोल रहे हैं। हाँ अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर आपसे बात हो गई, मतलब सॉरी मैं आपके मेल, नहीं 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 आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप?
मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी, नहीं मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए क्या, मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मैं तो समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर, और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए, मैंने देखा उनका, तो उनका नंबर भी है, उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए, एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है, ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। दादा डरा मत देना सर, नहीं नहीं आपको कैसे बता, जान है सर बस। नहीं नहीं नहीं, डराऊंगा नहीं, पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं नहीं, मैंने मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक ठीक। हेलो, एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट, आप बताइए जल्दी बताइए। मैडम, डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे डालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं यार। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए। जी जी, नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है। कुछ अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ मेहंदी, अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गालो यार, यार उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इन्विटेशन मेरा भूल गया, हम कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर, हेलो। हाँ अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर। नहीं सर, हम यहाँ घर पर आने आए हैं सर। कोई देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है जिंदगी, वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर, कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आया दुबई में, घर आने आया सर, जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए बताइए सर। मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर उसका नाम है, उसका बना सकते हैं सर आप मुर्गा? बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ सर। इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल, आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बारी पूरा एक साथ ही सुनूंगा, मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने सुन लिया सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। काज जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखे कहीं और या रुकना है। अच्छा, फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो अभी है नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? एमपी सर। एमपी, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? एमपी सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? एमपी सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? एमपी सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? एमपी सर। एमपी मतलब मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? एमपी सर। एमपी का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? एमपी सर। क्या एमपी का? माइंड ब्लोइंग सर।
माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। एमपी सर। अब क्या एमपी? माय परफॉर्मेंस सर। एमपी। एमपी क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? एमपी सर। मम्मी पापा सर। हेलो। हाय सर। हाय। आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, मैं हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें दो कॉलर सिलेक्टेड हैं, एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन हैं उनके लिए। तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपये का, लाइक 14,000 रुपीज का रीचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं। और वो जो दूसरे हैं सज्जन, वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं उनसे। हाँ जी कराइए। वन सेकेंड, अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको, एंड मिस्टर ए आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ। शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली ये गेम होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके। मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है, आप ये बताइए कि मिस्टर बी, जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका एक पॉइंट हो गया। बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ जरूर कराएंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे, आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, I don't know, आप क्या पूछ, मैं यही पूछ रहा हूँ जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं? मिस्टर ए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मतलब कि पागल हो गए। पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं लोगों का पागलपन ठीक करना चाह रहा हूँ। मिस्टर ए यानी के वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूँ। वसीम अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा। अनुज ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये गेम क्या है, हमारी जिंदगी को खेल बना दिया, और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम, फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम, इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं? कैसे हो गए यार, हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे, हम में हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान भी हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने ही दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ही अंदाजा नहीं है जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए, इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं, सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूं ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई, I'm sorry। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया। हेलो अरे कौन? ओ इंदर, इंदर। हाँ जी कौन? अबे इंदर, ये योगेश का भाई। हाँ जी बोल रहा हूँ। अबे भाई साथ तो ले ले। ओए इंदर भाई ये बता, मैं योगेश अभी वो जो छोड़े यार, मैं योगेश से नंबर लिया। इंदर तूने वो वाला जोक सुना है जिसमें एक आदमी नाई की दुकान पे बैठा होता, आदि शेप बना के उठ लेता है? अबे नहीं सुना, अभी नहीं सुना। मुझे बता क्या था? तूने नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना है ये, मैं इसे ही पूछा अभी, इन्होंने भी नहीं सुना। ये किसने सुना है यार? किसी ने अगर सुना हो ना तो मेरा दिल कर रहा था मैं उससे सुन लूं। तूने भी नहीं सुना, तू कह रहा है? तेरी माँ का बना रहा तू बैंड, किसने नंबर दिया ना वहीं जाके मारूंगा, सुन ले तू। हेलो सर, आई एम प्रणव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। And sir, we are pleased to inform you that we, I mean Facebook, has bought WhatsApp. Yeah, I read the papers. It's really good. You know, the work you are doing, it's fantastic. You know, that's really amazing. You know, hats Thank off you to Mark so Zuckerberg. Much. Hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion mein WhatsApp Facebook ne le liya. You say you remember humne Facebook 1 minute movie banaya tha? Are you happy with this thing? Sir, that was really amazing. You know, that was such a new concept. Now what we are doing, hum WhatsApp 1 minute movie bana rahe hain aur usko aapke Facebook pe dal rahe hain. Aapke WhatsApp ka movie bana liya hai. It will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, huh? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी व्हाट्सएप में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच लिए। सारे फोटोज और वीडियोस? सारे फोटोज और वीडियोस। पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे। 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं। नाउ आई एम अपलोडिंग और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर। अबे ओ यस यस यस, वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है, वो समझ क्यों नहीं रहा तू? मिस्टर नारायण इनको शेयर कर दो सारे को। ओए प्रणब, ओ बात सुन मेरी, तू कहां जा रहा है? यस सर। अबे वो वीडियो नहीं डाली, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पे? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार। शेयर शेयर यस। नहीं नहीं नहीं, पागल है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणव से बात करनी यार, वो प्रणव को बोल दो जल्दी से। प्रणव यस, Somebody is calling me. Okay sir, we are sharing in... अबे मैं sharing! तेरे एक एक की मार दूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण, अरे सुन 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 प्राण, मेरी एक बार बात सुन मेरी भाई, सुन प्यार से सुन, मैं एक बार ना बस मेरी व्हाट्सएप की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले। ओके और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस। सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता यार, शेयरिंग। अब मत कर शेयर, मेरा बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा, तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके ना शेयरिंग भाई, ये बताओ व्हाट्सएप पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर व्हाट्सएप मूवी बना दी और फेसबुक पे डालती हेलो कैन आई स्पीक टू मिस्टर पारस प्लीज? स्पीकिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आई नो ये थोड़ा गलत है ऐसे ऐसे फोन करना। सर आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, काफी मैंने वॉइस अभी डिस्कवरी के लिए अभी काफी चीजों को लिया किया सर। ओके आप एक काम कीजिए, आई विल जस्ट पास ऑन द फोन टू द रिसेप्शन और आप अपना जो वॉइस सैंपल से ड्रॉप कर दीजिए, मेल कर दीजिए। वॉइस सैंपल मैंने 3 बार ड्रॉप करा था सर, आपके रिसेप्शन पे बात करी थी मैंने, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर लिया है। वो तो ठीक है, मतलब वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो यू शुड सेंड इट टू देम, ऑब्वियसली कोई अभी तक शायद आपका वॉइस सूटेबल नहीं रहा। नहीं सर, मैं सुना ही नहीं है। आई एम डैम श्योर सर, आई एम सो सॉरी, ट्रस्ट मी सर। सर आप एक बार फोन पे अगर मेरी आवाज सुन ले, मैं 17 तरह की आवाज निकालता हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर वर्किंग फॉर राइट सर? हाँ हम लोग राइट सर।
सर आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, 17 की निकालते हो सर, अगर 2-4 भी सैंपल सुन ले सर, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो पर आप मेल कर लीजिए सर। मेल आई हैव मेल 3 times फ्रॉम तानिया सर, तानिया नेवर नेवर गेट बैक टू यू कभी भी। हेलो हेलो, आप ऐसे मत बात कीजिए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम ए स्ट्रगलर, आई नो आई एम ए स्ट्रगलर एंड इन मुंबई स्टार्ट करते हैं। नो सर, आई यू नो वन थिंग सर, यू नो वन थिंग, आई एम टेलिंग यू, 2 महीने तक आप मेरे को पैसे मत देना, आप काम कराओ, इससे बड़ी बात बोल। आप मेरी बात समझिए, आपका सैंपल सेलेक्ट हो जाता तो हम लोग किसी के पैसे लेके क्या करेंगे, फ्री नहीं, मैं आपको जो कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस है, आप 3 सैंपल सुन लो मेरे। क्या सैंपल्स है आपके, जल्दी से बताइए, मैं आपको बता दूं, सीरियसली कह रहा हूं, आपको मेल, नो नो सर, आई हैव मेल, आई हैव मेल सर, सैंपल मैं आपको बता दूं सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस, सर सर ऑन द फोन ही ओनली, मैं आपको बता रहा हूं सर, अभी मैं आवाज निकालूंगा अंधेरे की सर, आप देखना डिक्टोर निकलती है नहीं। डार्क अंधेरा था सर, सर सेकंड देखिए, ताजा घर में पेंट हुआ, उसकी आवाज देखिए यहां से, नहीं छोटे से निकालता हूं, गलत हो गई थी, एक सेकंड सर, लड़की ने हाथ में मेहंदी लगवाई, दूसरा दिन है, देखिए ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें मेरे को कई बार मेरे को अवार्ड भी मिले हैं, एक सेकंड सर, इस पे मैंने, आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने बहुत काम किया है, अभी अभी ताजे ताजे बाल कटवाए, किसी ने टांट चमक रही है उसकी, उसके बाद देखिए ये थोड़ी मुश्किल से निकलती है सर। सर मैं ये नहीं बोल रहा, आप जो मैं निकाल रहा हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैच करेगी सर, किसी महिला ने ऊपर छत पे अभी अभी कपड़े सुखाए धूप में, ये देखिए, नाउ सर आई एम कमिंग टू माय सिग्नेचर वॉइस, ये सर ये मेरा बेस्ट है, इसके चक्कर मेरे को न्यूयॉर्क में ही बुलाया था, एक आदमी की ताजी शेव खींची और फिर आफ्टर शेव लगा रखा, देखिए व्हाट डू यू से सर, नॉट बैड, क्या नाम बताया आपने अपना, नाम तो बताया नहीं सर मैंने अभी अपना, एक और वॉइस आप ट्राई कर सकते हैं, बोलिए सर, एक आवाज निकालना आपकी, किसी ने ताजी ताजी आपकी मारी है, मैं ट्राई कर सकता हूँ सर, नहीं ये फेस टू फेस करेंगे, कभी आ जाइए मेरे ऑफिस में। हेलो अरुण, अरुण ने मैट्री मॉडल में आपका ये एड भी देखा था, और मैं आई केम टू नो कि आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं, बेटा मैं ये जानना चाह रहा था, मेरे को किसी ने बताया था कि आपका अपना बिजनेस है, तो कोई बता रहा था आप ये वॉइस ओवर करते हैं, आई सम टाइम डिस्कवरी में भी किया आपने, हमारी बेटी अनुराधा, मैं ये चाहता हूँ कि आप मतलब शादी के लिए तैयार हैं और आपने मन बना लिया है, तो मैं इसके बारे में आपको फ़ोन करना चाह रहा था, तो मेरे को थोड़ा बताइए बेटे अपने बारे में। जैसा कि आपने पूछा कि मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ, पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन जॉब से फुर्सत होने के बाद मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म और टीवी एड के लिए वॉयस ओवर भी करता हूँ, मैंने बहुत सारे नरेशन और प्रोमो में वॉयस दी है, मेरे पापा को कुछ साल पहले से ही मेरी शादी की फिक्र होने लगी है और वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की अगर सुशील और सुंदर है तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस शादी के लिए। मेरी बेटी है संगीता, बहुत ही अच्छा नाम है, क्या बात करने से पहले मैं जान सकता हूँ कि संगीता क्या करती हैं? बेटा न्यूज़ पढ़ती हैं, यहाँ एक लोकल न्यूज़ चैनल है वो पढ़ती, मैं बुलाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। पिताजी से तो आपकी बात हो ही चुकी है, अभी मैं आपके पापा से बात कर रहा था, लेकिन सवाल यह है कि इस शहर की ये कमसिन और कुंवारी लड़की आपसे शादी करे क्यों? मेरे पास भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि आपकी खूबसूरती और भी 4 चांद होगी। क्या लड़के को घरेलू काम काज आते हैं? क्या उसे खाने पकाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? शुरू शुरू में मैं रोटी नहीं बना पाता था, लेकिन अब तो मैं रोटी काफी गोल गोल तैयार करता हूँ। लड़के की आवाज़ से ये साफ जाहिर है कि वो 40 से ऊपर का है। जी आपके बातों से तो काफी हंसी आ रही है मुझे। हमें 1 घंटे से आ रही है, हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं, हमें पता चला कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, लेकिन इतना प्रोफेशन अपने दिमाग में कौन रखता है? मुझे बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो ध्रुव जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन आप मेरे को वोट दे दो, अभी भी टाइम है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आप ही हमारे प्रभु हैं, जनता के लिए हम सेवक हैं, जनता जो कहे हम पूरी रात करें, आप भगवान समान हैं। और मैं आपसे ये वचन लेता हूँ कि आपकी जितनी दुख हैं, जितनी परेशानी है, ये आप मेरी समझें, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे इस वक्त वोट की भीख मांग रहा हूँ। मेरी नज़र में आपकी अहमियत ऐसे है जैसे भगवान की अहमियत। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। आपके आगे हम जैसे नेता की कोई औकात नहीं है। आपके बिना हमारा गुजारा नहीं। हम निवेदन करते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, आप वोट हमको करना। बट सर, मैं तो वोट दे के आ चुका हूँ। आपने दे दिया वोट? हाँ जी बिल्कुल, 2 बजे ही चला गया था पोलिंग बूथ। तो भाग फिर इधर से, गधे के बच्चे, मेरा टाइम क्यों खराब करा? ये तो मुंह लगाओ इनके, ऊपर से मुंह लगाओ, ऊपर से ये इनके ताने सुनो। इसको फोन क्यों मिलवाया? इसने पहले ही वोट डाल दिया है। जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, अभी गाली देने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझो कि मैं रेडियो मंच से वही बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा, किसी को भी फायदा उठाया। नेता प्यारे करके दिख। ध्रुव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वैसे बस ये बताना चाह रहा था कि होता तो यही है। ये बात तो सही। थैंक यू सो मच ध्रुव। एंड वोट वाकई में डाल दिया था ना आपने? हाँ जी सर, गुड। ये होते हैं अकलमंद इंसान, अकलमंद नागरिक। हेलो कामया जी, नमस्कार। ज्वेलर से बोल रहा हूँ जी। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो मुबारक हो, आप तो 11 दिन रखे हैं। जी जी थैंक यू सो मच। आप की तरफ से कार्ड नहीं आया? मैं मुंह पे कहता हूँ, आपके हस्बैंड के घर की तरफ से आ गया है। अरे नहीं, हम तो बस आने वाले थे। नहीं, मैंने आपको फोन इसलिए किया, कामया जी आपकी रिंग तैयार हो गई है, मतलब आप तैयार। क्या धागा मिल गया था? उसी नाप का मैंने रखा है। कब तक हो जाएगा ये सब? कामया जी, ये आपको मान के चलो, आपको मैं शादी से 2 दिन पहले दे दूंगा। बस उसकी फिनिशिंग से थोड़ा रख लेना, मतलब ध्यान। फिक्र ही मत करो, क्योंकि रिंग ही मतलब मेन होती है ना फिर। लेकिन कामया जी, मैं एक बात बताऊं, शिकायत रहेगी, रजत के घर से कार्ड आ गया, आपके घर से नहीं आया। आप तो घर वाले हो, आपको क्या बुलाने की जरूरत है? अपने को बुलाया भी जाता, लेकिन ये है थोड़ा एक बार बोल देते। चलो कोई बात नहीं, हमारा तो काम है। आप पक्का आइएगा शादी पे, आपको सबसे पहले आना, और रिंग लेकर काम मेरी पहले आ जाना। आप ये लगा लो, पूरी मैंने टीम अपनी आपकी रिंग पे लगा रखी है। बस आपकी तो मतलब मम्मी भी इतनी तारीफ कर रही थी, मतलब आपको तो पता ही, हमारे यहाँ की सारी ज्वेलरीज आपके यहाँ से बनती है। और मैं सही बताऊँ, आपकी साथ मतलब आप जो मम्मी कह रहे हो, ये भी बहुत अच्छी लेडी है। जी अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब मुझे रजत से ज्यादा उसकी मम्मी पसंद है, मतलब इतनी सही ट्यूनिंग है उनकी और मेरी। मैं तो उन्हें कह भी रही थी इतना करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, खुशी तभी वो कह रही थी और ले लेते हैं एक दो सेट। मैं मतलब आप बोल रही है तो मैं जरूर आऊंगा शादी पर, और ये पक्का है, 1 दिन पहले मैं आपको ये रिंग टेस्ट करा दूंगा। ठीक है जी। जी अंकल ठीक है। कामिन जी। हाँ जी कामिन जी, बस ये कह रहा था, ये जो रिंग इन्होंने दी है ना, इसमें मैंने मतलब इनको दिखाए भी, 4 डायमंड जड़वाए हैं इन्होंने, जो बिल्कुल चुट्टू चुट्टू से डायमंड है ना, मतलब मैंने बड़े भी दिखाए थे, तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा आप देख लो बड़े डायमंड भी हैं इसमें। कह रही नहीं, चुट्टू दिखाओ कोई, समझो दाने हैं पिसे हुए, क्या है उसमें, ब्लू कलर के वो जड़वाए हैं। तो उसमें बड़े भी थे कोई? बड़े हैं। पर मम्मी तो यही कह रही थी कि इस कलर में बड़े डायमंड्स हैं। लो यार, भगवान झूठ ना बोलवाए, ज्वेलर पे इस कलर में बड़े डिजाइन, पूरी दुकान बड़ी पड़ी है। अरे छोटो, वो 5x4 का जो डब्बा है उसमें पड़े ब्लू कलर के डायमंड। मैडम इतने बड़े डायमंड भी है, पूरे रिंग में डायमंड आ गए। उन्होंने मेरे से ये कहनी थी, कामया को छोटे ही पसंद है, कहनी बिल्कुल चुन्नू चुन्नू पसंद है उसको, बिल्कुल जो रगड़ावा ना होता ना, बिल्कुल नाम निशान ना हो डायमंड का। क्या हो गया मैडम? नहीं कोई नहीं, अभी बस इनकी अपनी मतलब अपनी बेटी की होती तो इसमें कोई नूर के बराबर जड़वा लेती है। नहीं बस ये है, उनकी मोहब्बत है। क्या मोहब्बत, तोल के देख लो मोहब्बत, कितनी मोहब्बत मोहब्बत इनकी। देखिए ये उनकी अपनी वो है कि अपनी मर्जी से दे रही है। चलो सही है, अभी तो रिंग ही बोली थी, पता नहीं अगर कड़े ही बोलती होते उसको भी पिचवा ही देती हूँ उसको, तो बिल्कुल ही पाउडर लगवाती हूँ उस पर। तो नहीं, डायमंड का पाउडर तो नहीं आता मैडम, वो बनवा देती ना, आप नहीं जानते उन्हें। आप मेरे को नहीं जानती, बेकार में यार, शुरू में घर बस रहा है उसको मैं परेशानी करूँ। कामया जी। हाँ
जी बोलिए, कुछ और भी नहीं, कुछ और नहीं रह गया है। आप, मैं उनको नहीं जानता, आपकी मदर इन लॉ को, आप मेरे को नहीं जानती, आप तो जब से वही समझ रही है। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कामी जी, आपको मालूम है आपकी डायमंड रिंग जो है ज्वेलरी शॉप पे सबसे अच्छी और सबसे बड़ी डायमंड रिंग है। हम तो मजाक कर रहे थे, मैं देखना चाह रहा था लेकिन कामे आकर एक शिकायत रहेगी कामिया है, रजत की तरफ से आ गया मेरे को इन्विटेशन, मेरे को आपने नहीं बुलाया। कोई नहीं नवेद, मैं अभी भेज देती हूँ। मॉम सुनना नहीं, बस ये रेडियो ऊपर। हेलो। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी 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 आए थे सर। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम। तो सर आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। बताइए सर, बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो हाँ जी, उसने, उसने लिफाफा, आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको, काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी। मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा, इसकी क्या जरूरत थी, आपने थोड़क से जेब में अंदर ऐसे ही दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे पास, आप तो बस। मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना, आपने, आपको इंसिस्ट करना चाहिए था थोड़ा, माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ आप। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को, तब तो मैंने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, तभी तो मैंने रखा, आपका तो मैं पालन कर रहा हूँ। जोर जबरदस्ती करी जाती है ना, एक बार ये कह के देखते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तो देके जाएंगे जब मन बनाया देने का है। हमने सर मन मना लिया, तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊँ, मतलब आपको, आपके शादी का माहौल था। अच्छा, आप पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे थे, लोग तो सारे देखे गए, आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में, कि नहीं देके ही जाऊंगा पहले आपसे, जोर जबरदस्ती करूंगा। आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो हेलो, आपको ये तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आदमी लेके आए तो वो देके जाए, समझ गए? अब आप तमीज मेरे को मत सिखाइए, तमीज मेरे को मत सिखाइए, आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की। नहीं, किसने एक बात बताइए, आप कह रहे हैं देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने को देने नहीं थे, ठीक है? आ गए ना अपनी औकात पे, ये है, ये शादियों में काम ही तुम्हारे ही है, और कुछ पता नहीं, लिफाफे में पैसे भी थे, लिफाफा देना होता है, आया आवाज।